आज से अराउंड 6 महीने पहले मैंने आप लोगों को बताया था दैट आई वांटेड टू बाय अ सोनी कैमरा जिसका नाम था A7C। वो 1.5 लाख का कैमरा है और उसके ऊपर से 50-60 हज़ार के लेंसेज वगैरह, तो 2 लाख तक का खर्चा था। एंड एट दैट टाइम आई कुडंट अफोर्ड इट। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 6 मंथ्स नाउ, आफ्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग दैट आई कुड, आई स्टिल कैनॉट अफोर्ड दैट कैमरा। मतलब आई कैन अफोर्ड इट, लेकिन बजट वगैरह थोड़ा सा हिल जाएगा, तो थोड़ा सा भाई देख के चलना होता है। लेकिन स्टिल एंड हियर वी हैव द ऑल न्यू ब्रांड न्यू कैमरा जो कि है अभी मेरे हाथ में, लेकिन निकल नहीं रहा, निकल गया। The all new Sony ka ZV-1 camera, and I have been a Canon camera user since a long time, 4-5 saal se pichle. And pehle kya hota tha, camera agar aapko lena hai to Canon was the first company aur sabse zyada uske acche reviews the, sabse zyada unki aukaat thi industry mein, camera industry mein. बट सिंस द पास्ट 2 ईयर्स सोनी आगे निकल गया है एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्विच टू सोनी, लेकिन फिर वही था, फिर महंगा लूँ सस्ता लूँ कैमरा क्या लूँ। बट आई डिसाइडेड टू गो विथ सोनी विथ दिस कैमरा क्योंकि ये एक परफेक्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा है। बुलेट जा रही है, 1 सेकेंड का होल्ड लेते हैं, बुलेट फिर जा रही है, निकल। दिस इज अ परफेक्ट पॉइंट एंड शूट, दिस इज़ अ परफेक्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा, जिसका मतलब है कि आपकी जेब में आ जाता है, आप आराम से कहीं भी ले जा सकते हो। तो ट्रैवल वगैरह करने में या फिर मैं रात को दोस्तों के साथ कहीं जाता हूँ तो ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा मेरे काम आएगा। एंड ये मुझे पड़ा है 60,000 का एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ द इन्वेस्टमेंट। और मेरे पास ऐसा ही छोटा कैमरा कैनन का भी है, बट उसको मैं बेच दूंगा एंड उसकी जगह ये ले लेगा बिकॉज दिस इज़ मच मोर पावरफुल। खुशी है मेरे चेहरे से, आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन मेरी नज़र अभी भी सोनी का जो महंगा वाला कैमरा है, दैट इज़ द A7C, उस पर है। एंड आई एम गोइंग टू बाय इट जल्दी, बता दिया वीडियो में, ताकि आगे जब लूँ तब स्टाइल मार सकूँ कि मैंने कसम खाई थी और ले लिया, बेस्ट बंदा हूँ मैं, बढ़िया हूँ, वन लाइफ, जो भी लो दो लो। लेकिन दो ये क्यों लूँ मैं, एक से काम हो जाएगा तो क्यों लूँ दो? इस स्टेटमेंट की वैल्यू मेरे को समझ नहीं आती, जो भी लो दो लो, कहाँ कहीं भी ये सेंस नहीं बनाती ये बात। बट कूल है, यूज़ करने में मज़ा आता है। सो गाइस, आई एम गोना गेट रेडी फटाफट से एंड सबसे पहले आई एम गोना डू माय फेस वॉश। ये फेस वॉश है टैग द आयुर्वेदा कंपनी का और इसमें इनबिल्ट ब्रश है और सुपर इजी टू अप्लाई। कुछ 20-30 सेकेंड्स मैं ऐसे जेंटली मसाज करता हूँ। सो गाइस, आई यूज दिस फेस वॉश बिकॉज ये आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करता है और आपकी स्किन से ये एक्ने, डर्ट और स्पॉट्स रिमूव करता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आई कंसिडर बिफोर चूजिंग अ गुड ब्रांड ऑफ फेस वॉश। इसमें नेचुरल इंग्रीडियंट्स है लाइक टी ट्री, नीम, बेजिल, क्यूकुम्बर, एलोवेरा। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस टी ट्री फेस सीरम फ्रॉम टैग द आयुर्वेदा कंपनी ओनली। जस्ट अप्लाई फ्यू ड्रॉप्स इन योर पाम लाइक दिस, अपने फेस पे मसाज कर दो। इसमें भी नीम, एलोवेरा, जिनसेंग, मैग्नोलिया बाग जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन से एक्ने और मार्क्स को रिमूव करता है। एंड दोनों की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। चल कर करूं कर 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 बढ़िया, बैक स्ट्रेट रख, बढ़िया, ठीक ठाक है, कैसी मामा बस रहे, बढ़िया है, शाबाश। कौन सी कर रहा है? एक्सरसाइज का नाम क्या है? नो, डेडलिफ्ट। ब्रेटली? क्या नाम है एक्सरसाइज का? डेडलिफ्ट भाई, डेडलिफ्ट। निकी, मैंने नया कैमरा लिया है। हाँ, पार्टी आप हो, पार्टी कैमरे से करो, जनता को सुनाना है। मैंने मैं पार्टी दूंगा, तू भी नहीं दे रहा, तू 12वीं के रिजल्ट पहले आ दोगे? पहले तेरा रिजल्ट आया, कैमरा तो मैंने बाद में लिया। तन में बच्चा आपकी रेड मारी थी वीडियो पे, क्या बोलता रहता है, क्या कह रहा है? तन में बच्चा वीडियो पे आपकी रेड मारी थी। हां तो रेड मार दी ना उसने, तो रेड मार दी तो ग्रेड मारा गलत होता है, रेड पड़ के मैं बोलते नहीं, रेड पड़ के वो भाई गलत हो गया सीन। तो अभी रेड मार लेना, अब तू पार्टी दे, पहले मार दी, पहले आप दोगे,
जाप हो गया मैं पक्का। तो फिर पार्टी क्या दोनों पैसे देंगे फिर तो? हाँ पार्टी क्या सर? पैसे लिया ना पैसे। खैर पार्टी की बात हो रही है तो मैंने आपको बता दूं कि मेरा बर्थडे 13 अप्रैल को गया था और उसकी बहुत ही क्रेजी पार्टी मैंने बसरे को दी थी। मजा आ गया था बसरे को और वो पार्ट मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं बट बहुत ही ज्यादा क्रेजी पार्टी हुई थी। अभी वाले जाएंगे हम और मैं आप लोगों में आप बता सकता हूँ इस वीकेंड में पार्टी इस वीकेंड पे शायद से ठीक है पक्का नहीं है। मैं और बसरा निकल रहे हैं रोड ट्रिप पे ठीक है शायद से भी पक्का नहीं है। निकलेंगे तो मजा आएगा ऑब्वियसली, नहीं निकलेंगे तो फिर संडे चलते हैं खाने पीने तीन लाते हैं। बाकी बढ़िया निकी भाई। हाँ बोल कल चलते हैं। निकी भाई लास्ट वीडियो में जो तेरे वो डंबल पड़ा था सर पे पट से हेडशॉट वाला तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया वो पार्ट, तो तूने बुरा तो नहीं माना ऐसे? ऐसे कभी कभार हम मजाक करते तो बुरा तो नहीं मानता ना, लेकिन तूने वो अच्छे में लिया ना कि तूने ट्राई करा एटलीस्ट। हाँ। जो कि अच्छी बात है ट्राई करना भाई बहुत जरूरी है। अरे मोटिवेशन स्पीकर निकी ने मोटिवेट करा था भाई लास्ट उसमें निकी एक मोटिवेशन वाला कोट दे दे भाई एक मोटिवेशन बात वो तो हो गया ना और कोई कुछ हिंदी में को दे दे कुछ ऑडियंस को इंग्लिश नहीं आती ना कुछ है। अरे यार बताना कुछ मोटिवेशनल बात बोल दे हिंदी में। हिंदी में ये है मंजिल ऊपर है हार कभी माननी चाहिए। हार कभी मान लेनी चाहिए मंजिल ऊपर है हार कभी मान लेनी चाहिए नहीं माननी चाहिए क्योंकि लिफ्ट अभी चलनी है तो ऊपर सीढ़ियों के बाद चढ़ के जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स फिल्म द ब्लैंक्स फिल्म Fill in the blanks. Aye. एक फ्री स्क्वाट मार के दिखा वन मोर बस गाइस। काफी लोग कह रहे थे कि मैं निक्की भाई को अभी स्क्वाट्स क्यों नहीं करवा रहा एंड द रीजन इज निक्की भाई के अभी नीज में ऑल ओवर लेग्स में और लोअर बैक में अभी मोबिलिटी नहीं है। जैसे कि आपने देखा फ्री स्क्वाट्स मारने में भी दिक्कत हो रही है इसको। तो निक्की भाई ये मेरा सपना है तेरे को प्रॉपर स्क्वाट करते हुए देखना चाहता हूँ मैं तुझे एक पावर लिफ्टर बनाना चाहता हूँ तो उससे तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी फॉर्म सारी सही करनी पड़ेगी। अभी मैंने जो इसकी वीडियो रिकॉर्ड करी मैंने इसको भी दिखाई तेरे को दिखाई ना और इसने खुद बोला कि हाँ भैया मैं गलत कर रहा हूँ बैक बहुत ज़्यादा झुक रही है मतलब मजा नहीं आ रहा एग्री करता से आदत करने का मेरे को बचपन से नहीं कर पा रहा लेकिन अब तेरे को पता लगा तो इम्प्रूव करेगा ना ठीक है करेगा ये ढंग से बोला करे कर लूँगा मोटिवेटेड हो गया बोल थोड़ा करूँगा ये मोटिवेटेड था कैसे बोल बताओ हाँ करके दिखाऊंगा ऐसे करके दिखाऊंगा वही करके दिखाइए और ज़्यादा कुछ करके दिखाइए ठीक है भाई ज़्यादा कुछ करके दिखाया तो बसरा हो जाएगा थर्टी थर्टी किलो ईच साइड नाइस चल निक्की बताया यार ऐसे नहीं यार सीरियस फॉर्म बता दे पता नहीं है चलो यहाँ खड़ा ये किस चीज की है पहले वो लगता है लेक्सी कहता था पहले इसको आप ही बताइए कर रहे आप ही बताइए मेरे को बसरा भाई थोड़ा सा उदास लग रहा है थोड़ा परेशान से लग रहा है इनका मन नहीं लग रहा जिम में तो इसके मुंह पे वो खट्टी लस्सी पिचकारी मार देना तू ये जोक ना मैंने 10 मिनट से सोचा हुआ है मैंने कहा जब आगे तब मारूंगा दीपक लाल का जोक है मेरा जोक है
खट्टी लस्सी की पिचकारी. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up out the lot, no more lease, we pay cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally made me a meal, now we eating off the verse.